सुल्तानपुर में हत्या का फर्जी मुकदमा लिख दो लोगों को जेल भेजना थानेदार को महंगा पड़ गया। शिकायत पर एडीजे ने दरोगा को कस्टडी में लेकर जेल भेजने का आदेश दे दिया। हालांकि पैरवी के चलते करीब 4 घंटे बाद दरोगा को जमानत मिली। पूरा मामला गुड़वार थाना क्षेत्र के मनियरपुर गांव से जुड़ा है, जहां के रहने वाले फारूक समेत 2 लोगों को धमोर पुलिस ने महेशगंज के पास बीते 17 मार्च को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तारी का दावा करते हुए जेल भेज दिया था। पुलिस ने दावा किया था कि दोनों लोग बीजेपी नेता के करीबी की हत्या की योजना बना रहे थे। वहीं पुलिस ने बिना हत्या की हत्या का मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया था। वहीं परिजनों ने मामले की शिकायत उच्च अधिकारियों के साथ अदालत में भी किया था। अदालत ने मामला फर्जी देख धमोर के सो प्रवीण सिंह को कस्टडी में लेते हुए उन्हें जेल भेजने का आदेश दे दिया। दारोगा के जेल भेजने की सूचना पर एसपी अनुराग वत्स समेत कई अधिकारी न्यायालय पहुंच गए और पूरे परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया। देर शाम से जैन ने दारोगा को जमानत दे दिया, तब कहीं जाकर पुलिस विभाग ने राहत की सांस लिया। क्या मामला? हमारे बड़े भाई थे, बंधुआ कलम बैठे थे, उनको एसटीएफ टीम ने उठा ली। उसके बाद थाना धमौर को सुपुर्द कर दिया। एसओ साहब के कहने पे 302 का मुकदमा लिख दिया गया। कोई मरा नहीं है, कोई घटना नहीं है। लिखने के बाद जेल भेज दिया। उसी मामले में आज क्या उसी मामले में हम पैरवी कर रहे हैं। हमारा भाई 1.5 महीने जेल में है। अब जो न्याय करेगा वो उस समय किसी उच्च अधिकारी शिकायत की थी जी, हम कप्तान साहब को फैक्स किए थे, चुनाव आयोग को फैक्स किए थे, मुख्यमंत्री को फैक्स किए थे, सब मेरे पास रसीदें हैं। आज कोई कार्रवाई दोषी अधिकारियों पर की क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। जो जज साहब ने किया वही माना गया। क्या किए हैं जज साहब? जज साहब ने एसओ साहब को जेल भेजने का आदेश किए हैं। फर्जी मुकदमे में जो 302 का मुकदमा लिखा गया है, और एसओ साहब ने कहे कि ये सीओ साहब के कहने पर मुकदमा लिखे हैं। अगर आपने अभी तक हमारा समर इंडिया न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाला प्रत्येक समाचार सबसे पहले आप तक।